हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है मुद्रा और आप देख रहे हो मुद्रा लॉजी। दोस्तों, आप सबको तो पता ही होगा कि 24 जुलाई का हम सबको बहुत बहुत ही दिन से इंतज़ार था, बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जी की मूवी रिलीज़ होने वाली थी डिज्नी हॉटस्टार पे। सो स्पॉइलर अलर्ट्स दोस्तों, जिन जिन लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है वो लोग प्लीज़ जाके देख ले, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये मूवी देखना, क्योंकि बहुत अच्छा, बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत इमोशनल मूवी है। तो दोस्तों, क्योंकि मेरे 80% में जो लोग के कांटेक्ट में हूँ वो लोग ने ये मूवी नहीं देखी है, और मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि क्यों नहीं देखी। अभी हमको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो इनकी याद में ये मूवी जैसी रिलीज़ हुई मैंने भी एक दिन लेट देखी, बट इट्स ओके। एटलीस्ट मैंने दो दिन के अंदर देखने की बहुत कोशिश की, और यस, आई मेड इट अप कि सुशांत सिंह राजपूत जी एक बहुत ही जाने माने और टैलेंटेड एक्टर में से थे, और उनका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही खूबसूरत। मतलब ये मूवी में ना उन्होंने सिंगर से लेके एक्टर का रोल किया है, मतलब कि मूवी के अंदर भी उन्होंने एक शूट किया हुआ है जो एक दूसरा मूवी वो लोग शूट कर रहे हैं, ऐसा कुछ मूवी में दिखाया है। और उनका जो टाइटल सॉन्ग है, टाइटल ट्रैक है, जो उस पर उन्होंने जो डांस किया है बहुत ही बढ़िया है, जो बहुत पसंद आया। मेरी आंखें हिल नहीं रही थी उधर से, बहुत मस्त था वो। और उसके बाद दोस्तों, उसमें जो उनकी गर्लफ्रेंड थी किजी बासु करके, जिसको बेहद मोहब्बत करते थे, तो उसमें दिखा जाता है कि लाइफ को वो जो वैल्यू कर रहे थे कि हम जब तक जी रहे हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जीवन या मृत्यु की तारीख नहीं तय होती, लेकिन हमें कैसे जीना है वो बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है, कि हमें बहुत खुशहाल ज़िंदगी जीनी है। और वो सच में, एक्चुअल में एकदम प्यार से और एकदम खुशहाल ज़िंदगी जिए हैं मूवी में, और एक्चुअल में भी, रियल लाइफ में भी वो ऐसे ही थे, और आज हमारे बीच में नहीं रहे। और ये मूवी में पूरा ही मुझे रोना आया है, और अभी काफ़ी मैं नॉर्मल फील कर रही हूँ, बहुत रोना आ रहा था सोच के कि अभी हमारे बीच में नहीं रहे। हाँ, अगर ये मूवी पहले रिलीज़ हो गई होती तो इतना इमोशनल हम फील नहीं करते, सोचते कि ठीक है नॉर्मल मूवीज आती है वैसे ये मूवी है, लेकिन दिस टाइम इट्स डिफरेंट। एंड द लास्ट मूवी वॉज दिल बेचारा बाय सुशांत सिंह राजपूत, तो ये इमोशनली कनेक्टेड हो गई है सब से, पूरे जहान से। और मैं फील ये भी फील कर सकती हूँ कि इसके उनके मम्मी पापा जब ये मूवी देखे होंगे तो उनको कैसा फील हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं मैं मेरे फैमिली से भी बात कर रही थी कि कैसा हो गया ये मूवी में भी, एंड में वो उनकी डेथ हो जाती है सुशांत सिंह राजपूत की, और उसी मूवी के बाद वो रियल लाइफ में भी वो हमारे बीच में नहीं रहे। मतलब ये कोइंसिडेंस कहो, बट सुशांत सिंह राजपूत जैसा टैलेंटेड एक्टर ना कभी था ना कभी होगा, तो मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। स्टार किड्स जो है वो लोग हार्डली 20-30% मेहनत करते होंगे, और जो पेरेंट्स हैं उनके रेपुटेशन के कारण वो लोग इतने हिट होते हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत वो उन लोगों में से नहीं थे। वो अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत बहुत ही शॉर्ट टर्म में आगे आ चुके थे, तो यही वजह से पूरी इंडस्ट्री बहुत जलस महसूस कर रही थी, पता नहीं ऐसा क्या हो गया होगा वो लोग में, और इसी वजह से शायद ये सब अभी जो हो रहा है वो दैट कुड बी अ रीज़न। ही वॉज वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर, तो और अभी मेरा फेवरेट हो गए हैं। पहले लगता था कि ठीक है पसंद है, बट अभी इतने पसंद हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो फुटप्रिंट्स छोड़े हैं हमारे लिए वो बहुत ही काबिलियत वाली चीज़ थी वो, और उन्होंने जो किया है। मैंने एक एग्जाम्पल भी सुना था उनका कि वो लोग वो जब किसी से बात करते हैं ना, तो वो बातों में भी इतनी टैलेंटेड बातें करते हैं कि हमको लगता है कि वाह क्या बंदा है ये। सो दोस्तों, ये चीज़ मैंने मूवी में देखा कि यस, उनमें बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है लोगों को हंसाने की, लोगों को रुलाने की, लोगों को जो दुखी है उसको खुशी देने की, ये जो आदत है और ये टैलेंट उनमें दिखाई है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया और अप्रिसिएशन के लायक है ये मूवी। तो दोस्तों, अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए, इसका कोई चार्जेस नहीं है, डिज्नी हॉटस्टार पे आ रही है, और इनको हम याद दे, लाइक दे दे, एक हिट दे दे कि भाई यू आर अलाइव इन आवर हार्ट्स एंड यू विल बी ऑलवेज रिमेम्बर्ड इन आवर लाइफ। हाँ दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन था वो, मुझे वो मतलब मेरे हिसाब से वो था, और मैं उस टाइम पर मुझे बहुत ही रोना आ रहा था। तो ये वो ये सीन था कि जब उन्होंने
अपनी गर्लफ्रेंड किसी बासु को बताया कि जब तुम हॉस्पिटल में थी रात को, तभी मैंने भी एक टेस्ट करवाया था जिससे मुझे पता चल रहा है कि मुझे भी ट्यूमर है और मैं ज़्यादा दिन तक नहीं जीने वाला हूँ। देन टू ही वॉज वेरी हेल्पिंग एंड यू नो अलाइव के भाई मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के लिए जीना है, और उसकी गर्लफ्रेंड भी इतनी दुख में थी लेकिन तो भी उन्होंने अपना दुख नहीं देख के दूसरों के लिए जिया। अपनी गर्लफ्रेंड को इतना प्यार करते थे वो कि अपना टेस्ट रिपोर्ट जो भी आया उनको उसकी परवाह नहीं थी, बट ही वॉज जस्ट वरीड अबाउट कि मेरी गर्लफ्रेंड ठीक हो और मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा खुशी दूँ। तो ये पार्ट गाइज मुझे बहुत इमोशनल लगा, आप ये मूवी ज़रूर देखना। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा दिल बेचारा का रिव्यू का ये जो वीडियो है वो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस देखने मिले, आप कनेक्टेड रहिए, मेरे से जुड़े रहिए। और तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और अगर मूवी नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। बाय बाय। जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। सर, किसी बात।